आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकलव्य और माया के बारे में। ये दोनों ही सिस्टम काइनेटिक्स इंजीनियरिंग नाम की एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सिस्टम्स हैं। काइनेटिक्स इंजीनियरिंग लगभग 10 साल पुरानी एक कंपनी है जिसका बैंगलोर में एक ऑफिस है और दूसरा फीनिक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये कंपनी यूके की एक कंपनी मार्कस एविएशन के साथ में मिलके एकलव्य और माया नाम के दो ड्रोन्स बना रही है। मार्कस एविएशन लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है और इस कंपनी ने दुनिया की अलग अलग देशों के लिए अलग अलग सिस्टम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कंपनी है। आइए एक एक करके बात करते हैं एकलव्य और माया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माया यूएएस के बारे में। माया यूएएस एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। इस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को हाइब्रिड प्रोपल्शन से पावर किया जाएगा, यानी कि टिपिकल इंजन के साथ साथ इसको सोलार एनर्जी से भी पावर किया जाएगा। इसमें यूज किया जाएगा एक इंजन का जो इस ड्रोन के पीछे पुशर कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे कि अमेरिकन ड्रोन्स में होता है। अगर बात की जाए इसके सेंसर्स की तो इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, रेडार्स और दूसरे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेंसर्स लगेंगे। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर येलो पॉइंटर की मदद से देख सकते हैं कि इस ड्रोन के ऊपर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम माउंट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, लो लाइट लेवल टेलीविजन और लेजर रेंज फाइंडर से लैस होगा, जिसकी मदद से ये यूएवी सर्वेलेंस के साथ साथ वेपन्स की मदद से टारगेट न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकेगा। अगर बात की जाए वेपन डिलीवरी की तो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स में ये देखा जा सकता है कि इस सिस्टम में 6 हार्ड पॉइंट है। हालांकि 2 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर डुअल पाइलन रेक्स लगा के वेपन सिस्टम्स को माउंट किया हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन इफेक्टिव नंबर 6 का है। और वेबसाइट पर अवेलेबल डेटा के हिसाब से ये ड्रोन 1000 केजी का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। ये सिस्टम काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स में काम कर सकेगा। इसका मैरीटाइम वेरिएंट एक मैरीटाइम पेट्रोल रेडार कैरी कर सकेगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रेडार सिंथेटिक अपर्चर मोड और इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर मोड दोनों मोड में काम कर सकेगा। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस सिस्टम की एंड्योरेंस 32 आवर्स की होगी, यानी कि 32 घंटे की। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के साथ में इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की होगी और सैटकॉम के साथ में, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ में, ये 5000 किलोमीटर की रेंज पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इस सिस्टम की सर्विस सीलिंग 33000 फीट की होगी, यानी कि 33000 फीट। वहीं अगर बात की जाए इसकी मैक्सिमम स्पीड की तो ये 268 यानी कि 268 किलोमीटर पर आवर तक की होगी। ओवरऑल केवल परफॉर्मेंस के हिसाब से इस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से एक नॉच ऊपर रखा जा सकेगा और कहीं ना कहीं रीपर से ये एक नॉच नीचे होगा। वहीं अगर एकलव्य की बात की जाए तो एकलव्य एक स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन है और इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन काफी हद तक बोइंग के लॉयल विंगमैन ड्रोन जैसी है। अगर इस सिस्टम की फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो इसमें ट्रेपेज़ॉइडल विंग का प्रयोग किया जाएगा और एक सिलेंडर फ्यूसेलाज के साथ में इसमें वी शेप टेल विंग होगी। वहीं अगर इसके एयर इनटेक की बात की जाए तो ये सर्पेंटाइन एयर इनटेक होंगे और इन सभी चीजों के कारण ये विंगमैन ड्रोन काफी ज्यादा स्टेल्दी होगा। इस सिस्टम के डिजाइन में दो और चीजों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। पहली, इसका इंफ्रारेड क्रॉस सेक्शन और दूसरा इसका अकाउस्टिक सिग्नेचर, यानी कि हवा में ये सिस्टम बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं करेगा। और इंफ्रारेड क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण इस विंगमैन ड्रोन को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। अगर इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 9 मीटर लंबा ये सिस्टम 7 मीटर का विंग स्पैन रखेगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 0.85 मार्क। इस सिस्टम की सर्विस सीलिंग होगी 45,000 फीट और रेंज होगी 21,000 नॉटिकल माइल्स। और इस सिस्टम को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मैन मशीन टीमिंग में एक मैन्ड एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ा देगा। ओवरऑल ये दोनों सिस्टम पेपर के ऊपर काफी ज्यादा केपेबल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो वेबसाइट के ऊपर इनकी टाइमलाइंस को लेकर बातचीत नहीं की गई है, लेकिन जब भी ये सिस्टम भारतीय सेना को मिलेंगे तो भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ओवरऑल ये काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर ये सिस्टम सही समय पर भारतीय सेनाओं को मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।